10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव होंगे, इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डेरा डाल दिया है और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जीएमपी छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बीजेपी अमरवाड़ा में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को लेकर पर्याप्त बजट है। सीएम डॉक्टर मोहन ने कांग्रेस के साथ ही कमलनाथ और नकुलनाथ पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में कैंप कर रहे हैं और कमान संभाल लिए अमरवाड़ा जिताने की, कोई सेल्फी ले रहा है, अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। सर, छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव तो जीत लिया, कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है, हो गया मुमकिन, अब अमरवाड़ा की पूरी तैयारी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का माहौल बना है, निश्चित रूप से अमरवाड़ा भाजपा के पक्ष में है, सारी जनता हमारे सबके साथ है और यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। आप कह रहे थे कि विपक्ष कहता रहा कि योजनाएं बंद होंगी, कार्यालय बंद हो जाएगा, योजनाएं बंद नहीं होंगी। निश्चित रूप से जैसा हमने कल बजट दिया, पर्याप्त धनराशि दी, अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर्याप्त धनराशि हमने सभी योजनाओं को दी है, इसलिए हमने जो कहा था वो करके दिखाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और भाजपा के सभी साथ हैं। ये आदिवासी बाहुल्य सीट है, आदिवासियों के लिए कई योजनाएं आप लेकर आए हैं, विकास जितना तेजी से होना चाहिए था वो ये कमलनाथ जी के कारण से और कांग्रेस के कारण नहीं हुआ है। अब विकास की रफ्तार पकड़ेगा, डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये आप देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, मुलाकात करते नजर आ रहा है। जीतू पटवारी कह रहे थे उन्होंने अमरवाड़ा प्रत्याशी कमलेश शाह को सराबी तक बता दिया। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, उनको शराब दिखती दिन भर में तो वो शराब देखते रहे। हमने तो विकास देखा और विकास देखेंगे, जनता उसको जानती है और जनता भाजपा के साथ है, मुझे इस बात की। लोकसभा चुनाव के दौरान नकुलनाथ ने भी कहा था कमलेश शाह को, नीचे पलट गए। मैंने इसीलिए कहा कि कमलेश शाह मैदानी व्यक्ति है और जनता उनके साथ है और भाजपा ने अपने योग्य प्रत्याशी का चयन किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि भाजपा निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास के आधार पर विकास भी करे, जीतेंगे। अलग अलग लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? एक ही काम, केवल भाजपा भाजपा भाजपा। आज चुनाव में ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर देते हैं? निश्चित रूप से जनता के साथ हम जुड़ते हैं, जनता के दिल में आने वाली बातों के समाधान भी करते और कुल मिलाकर के भाजपा का अपना जो आनंद है वही कारण है कि हम सब जनता को लोकतंत्र से सच्चे अर्थों में जुड़ने का मौका भाजपा के माध्यम से देते हैं और अमरवाड़ा में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीते। कॉन्फिडेंट है आप? 100%। अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कहा है कि बीजेपी जीतेगी, वो कॉन्फिडेंट नजर आए। बहुत सारे आप कार्यकर्ता आप देखेंगे तो जो बीजेपी के अलग अलग वर्गों से आते हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलेश शाह को शराबी बताया क्योंकि वो उनकी जो भावना है वो शराबी जैसी है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा है कि अमरवाड़ा में बीजेपी जीतने जा रही है, जैसे लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीती है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अमरवाड़ा।